दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल मन जीते जगजीत में। और सबसे पहले ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसकी वीडियोस को भी लाइक कीजिए और बेल का नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नई वीडियो मैं इस चैनल में पोस्ट करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साल 1993 में जगजीत सिंह जी ने लाइव विद जगजीत सिंह नाम से एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था। दरअसल इस एल्बम को नानावटी हॉल खार मुंबई में लाइव कॉन्सर्ट के तौर पर रिकॉर्ड किया गया था और ये स्टूडियो की रिकॉर्डिंग नहीं थी। जगजीत सिंह जी ने इस लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान कई गजलें और नज़म गाए थी और इसे HMV ने कैसेट और CD पर रिलीज किया। बाद में वर्ष 1998 में इस लाइव रिकॉर्डिंग को सारेगामा संगीत कंपनी द्वारा VCD और DVD के रूप में दास्ताने गजल शीर्षक के साथ लॉन्च किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से डिजिटल प्रारूप की सीमा के कारण कई गजलों को इस प्रस्तुति में शामिल नहीं किया गया। साल 1999 में सोनी टेलीविजन ने रिवाइवल नाम से एक सीरीज का निर्माण किया और इसे 2 सीरीज में टेलीकास्ट किया। पहली सीरीज का नाम था रिवाइवल अ ट्रिब्यूट टू गालिब बाय जगजीत सिंह और दूसरी सीरीज का नाम था रिवाइवल दिल की आवाज जगजीत सिंह टाइमलेस हिट्स। दूसरी श्रृंखला कुछ अलग नहीं थी, लेकिन ये संगीत कार्यक्रम था जो वास्तव में 1993 में रिकॉर्ड किया गया था और एक एल्बम के रूप में पेश किया गया था जिसका नाम था लाइव विद जगजीत सिंह। और फिर बाद में 1998 में दास्ताने गजल के रूप में सारेगामा संगीत कंपनी ने इसे VCD और DVD के रूप में जारी किया। लेकिन इस श्रृंखला की प्रमुख विशेषता ये थी कि इसमें जगजीत सिंह जी द्वारा गजलों को पेश करने का सत्र शामिल था और ये आगामी मिलेनियम वर्ष के लिए एक विशेष कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रिवाइवल सीरीज से जगजीत सिंह जी का प्रस्तुत किया गया गजलों का सत्र और साथ ही में दास्ताने गजल का पूरा कॉन्सर्ट। आइए मजा उठाते हैं इन दोनों चीजों का। दोस्तों मौसीकी की इस महफिल में आपका स्वागत है। आज की ये महफिल है मेरी कुछ चंद फेवरेट गजलों की और नज्मों की। क्योंकि मैं गजलें गाता हूँ इसलिए मुझे गजल गायक भी कहते हैं। वैसे मैं बनने चला था IAS ऑफिसर और बन गया एक गजल गायक। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे गजलों और नज्मों की। कई बार ये सवाल आता है ऑडियंस के जहन में, सुनने वालों के जहन में, कि गजल और नज्म क्या है, ये अलग अलग क्या चीजें हैं। वैसे दोस्तों दोनों ही जो है गजल और नज्म ये उर्दू पोएट्री की एक फॉर्म है, फॉर्मेट है। पहले हम गजल को लेते हैं। गजल में 4-5 शेर होते हैं और हर शेर जो है उसका मीटर सेम होता है, उसका छंद सेम होता है और सब्जेक्ट मैटर उसमें अलग अलग हो सकता है। पहले शेर को कहते हैं मतला और आखिरी शेर को, जिसमें शायर अपना पेन नेम का इस्तेमाल करता है, तखल्लुस जिसको कहते हैं, वो होता है मक्ता। अच्छा, उसमें जो रदीफ और काफिया, खास करके गजल में ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, एक तो मीटर का और रदीफ का और काफिया का। अभी देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये दाब की गजल है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। तो इस शेर में
जो मीटर है वो है गजब किया तेरे वादे पे एतबार की, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। ये इसका छंद है। अच्छा, एतबार जो है वो इसका है काफिया, और किया जो है वो इसका हो गया रदीफ। तो इसलिए आगे के भी जो शेर आएंगे उसमें हमारी ये रदीफ काफिये की जो डिसिप्लिन है ये रखना बहुत जरूरी है। क्यों, जैसे तुझे तो वादा ए दीदार हमसे करना था, ये क्या किया कि जहां को उम्मीदवार किया। उम्मीदवार, ये इंतजार, ये जो साउंड है हर शेर की एक सी होनी चाहिए, तो ये गजल का डिसिप्लिन होता है। और अब रही नज्म की बात, नज्म है एक स्टोरी टेलिंग। नज्म, पूरी नज्म में जो है सब्जेक्ट मैटर है वो एक ही होता है, उसमें शेर नहीं होते। जब आप लेकिन उसमें बाकी चीजें, डिसिप्लिन, जो छंद है, जो मीटर है, वो राइमिंग है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, और सब्जेक्ट मैटर उसमें एक ही होता है। ये जैसे ये मैं ये नज्म मेरी थी, तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, तो इसमें पूरी नज्म में सिर्फ उसके खत की बात की गई गई, लेकिन राइमिंग और छंद बराबर रखा गया। तो ये है नज्म। आप इस वक्त कुछ मेरी फेवरेट गजलें, नज्में सुन रहे हैं और भी सुनेंगे। गजलों और नज्मों में अक्सर दिल की बात होती है, जज्बाती बातें होती हैं, लेकिन आजकल गजल और नज्म में सब्जेक्ट पॉलिटिकल भी आने लगे हैं, सोशल स्टाइल भी होने लगा है। तो ये एक ऐसी फॉर्मेट है उर्दू पोइट्री की जिसमें हर तरह के सब्जेक्ट डील होते हैं। सुदर्शन फाकिर की गजल थी, आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। कितनी सही बात है, जो मिलता है वो तो खुदा की मर्जी से ही मिलता है, वो जो जो कुछ देना चाहे वही मिलता है। अब मेरी हालत देखिए ना, मैंने इतने साल खराब किए कॉलेज में, MA हिस्ट्री और फिर IAS की तैयारी, अल्टीमेटली क्या हुआ, गजल गायक बन गया। क्योंकि हमारे फादर चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, और साथ में म्यूजिक भी सिखाना शुरू करा दिया था कि एक फाइन आर्ट की बच्चों को सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ पेंटिंग सीखनी चाहिए या म्यूजिक सीखना चाहिए। तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो गया म्यूजिक में, तो मैं गजल गायक बन गया। आई एम नॉट बोरिंग यू, आर यू एंजॉय, गुड। अक्सर मुझसे पूछते हैं लोग कि आप गजलों का सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसकी कंपोजिशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उसका कोई वैसे प्रोसीजर नहीं है, लेकिन मेरा जो तरीका ये है कि मैं पहले गजल पढ़ता हूँ, मेरे पास जो बुक्स आती हैं या कुछ शायर भेजते हैं, मैं पहले पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि वो मेरी समझ आई, उसकी जबान कितनी आसान है मुश्किल है। तो उसमें थॉट देखता हूँ क्या है, इमोशनल है, दिल को लगता है, छुपता है, कुछ समझ आती है, या मैं आई विल आई बी एबल टू कम्युनिकेट विद माई ऑडियंस द थॉट इन इन गजल। तो ये सब चीजें देख के फिर मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसकी मैं धुन सोचता हूँ। अब धुन के हिसाब से, अब जैसे देखिए नेक्स्ट गजल जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो है जिगर मुरादाबाद की गजल। हालांकि जिगर पुराने शायर है, उनकी गजल है, तो मैं किताब पढ़ रहा था एक दिन तो मुझे अच्छी लगी। सीधी सी स्टेटमेंट है उनकी, एक वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें ना कोई रोमांस है ना उसमें कोई सैडनेस है, वो एक सिचुएशन को समझा रहे हैं कि इश्क की सिचुएशन क्या होती है। तो वो मैंने सोचा कि किसी सिंपल वे में सुनाई जाए पब्लिक को। अब ये लाइन जो है कई तरह से गा सकता था मैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन बनाने के लिए जितना मर्जी उसको कॉम्प्लिकेट कर लो, जितना मर्जी आप अपना म्यूजिक का नॉलेज जो है या आपका गला भाग रहा है उसको आप इम्पोज करते रहो कॉम्पोजिशन में, लेकिन उससे क्या है, जो मेन पर्पस है, जो शायर जो कहना चाहता है, जो उसका थॉट है, वो खो जाता है, वो ऑडियंस तक पहुंचता नहीं। इसलिए मेरा असूल यही है कि उसको सिंपल वे में रखा जाए। जरूरी नहीं कि जो गजल का शायर है उसका बहुत बड़ा नाम हो, बहुत मशहूर हो या बहुत बड़ा आदमी हो, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। सिर्फ देखा ये जाता है कि जो उसने थॉट जो लिखा है, जो गजल का जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा है, उसमें कितना दम है,
खूबसूरत है, जबान देखी जाती है, तो उसमें नया पुराना ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा शायर हो पुराना शायर हो, क्योंकि तो अभी जो गजल आप सुनेंगे वो बिल्कुल नए शायर की थी। राणा सहरी, जब वो गजल मेरे सामने आई तो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि उसमें बड़े अच्छे सच्चाइयां हैं कुछ आजकल मॉडर्न लाइफ की, और अच्छी बातें की हैं उसने गजल में। तो मैंने कंपोज की, और कंपोज भी मैंने उसको इजीएस्ट ट्यून में कंपोज कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी ट्यून जो है वो मशहूर है, वो एक फोक ट्यून है पंजाब की जिसको मिर्जा कहते हैं। अब ये धुन है पुरानी, अभी इस पे मैंने गजल बैठाई वो, कोई दोस्त है न रकीब है। द फर्स्ट टेस्ट ऑफ सक्सेस, जिसको बोलते हैं ना कि पहली दफा खून मुंह को कब लगा, 25 साल पहले, यस एग्जैक्टली 25 years बैक, एचएमवी उस वक्त सिर्फ एक ही कंपनी हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग कंपनी एचएमवी। जब उन्होंने कहा कि आप एलपी रिकॉर्ड करिए, और मुझे ऑलरेडी इस लाइन में 10 साल हो गए थे, पहले छोटे ईपी हुए थे, छोटे छोटे 78 हुए थे, वो करते थे, लेकिन हमें इस काबिल नहीं समझा गया था कि हम एक एलपी रिकॉर्ड करें। 10 साल के बाद हमें इस काबिल समझा गया, मुझे और चित्रा को। चित्रा, वी वर टुगेदर, यू नो दिस थिंग, अभी भी टुगेदर है, लेकिन शी इज नॉट सिंगिंग, शी माइट सिंग अगेन, यू नेवर नो, आई वॉर्न यू दैट। एंड उस वक्त एचएमए ने कहा कि अभी आप एलपी करिए, अभी आपका थोड़ा नाम हो गया है, यू आर फिट फॉर दैट। तो उसमें जो मैंने पहली नज्म रिकॉर्ड की थी वो थी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ सक्सेस। इस एल्बम का नाम आपको मालूम क्या था, बताइए क्या था? द अनफॉरगेटेबल्स। उसके बाद कई एल्बम हुई, पॉपुलर होने लगे, सॉन्ग भी हम हमारे जो स्टेज पे काफी चलने लगे। फिर मैंने कुछ फिल्में भी की, फिल्मों म्यूजिक किया, जैसे प्रेम गीत, अर्थ, साथ साथ, ये सब गाया भी फिल्मों में। लेकिन सबसे पॉपुलर जो नज्म है वो है, आपको ये नगमा कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ, क्योंकि इसमें एक नॉस्टैल्जिया है, एक माजी है, अपना अपना बचपन सबको याद आ जाता है, मीठी मीठी यादें आती हैं। चलिए फिर से मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। जब मुझे अपना बचपन याद आता है तो अक्सर कुछ फिल्म गीत हैं जो मेरे जहन में उभरते हैं, और वो मैं गीत गुनगुनाया करता था, और हो सकता है मेरे वालिद ने, मेरे फादर साहब ने वो गीत गाते हुए मुझे सुना हो, और उनको ये लगा कि म्यूजिक का टैलेंट है इसमें, इसको म्यूजिक सिखाना चाहिए, इसलिए इसलिए उन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाना सिखवाना शुरू किया एक उस्ताद जी से। तो वो जो गीत थे वो सब तलत महमूद के गीत हुआ करते थे, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, और अक्सर उनके गीत मैं स्कूल के जो फंक्शन है उसमें दोस्तों में इधर उधर गाया करता था। अभी भी देखिए कितने मुझे याद हैं पुराने मुखड़े। हमसे आया नगया, तुमसे बुलाया नगया, हमसे आया नगया, देख ली तेरी खुदाई, बस सब कुछ लुटा के होश तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। ये तन्हाई को दूर करने के लिए कोई किसी न किसी साथी की तलाश रहती है, और आदमी साथी ढूंढता रहता है। तो मेरी मुलाकात भी चित्रा जी से हुई, रिकॉर्डिंग सेशन में हुई। पहले तो
वी डिडंट लाइक ईच अदर, आई लाइक हर बट शी डिडंट लाइक मी। लेकिन एक दो बार मुलाकात हुई तो उनको लगा कि ठीक है, आवाज भी अच्छी है, आदमी भी ठीक है, तो शी स्टार्टेड लाइकिंग मी। धीरे धीरे रिलेशन बढ़ते गए और फिर हमने जीवन साथी बन गए। जीवन साथी क्या बने, बस ये था कि आपको देखकर देखता है। ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म। अब ट्रेडिशन क्या है? एक चीज, एक काम जो आप 100 साल से करते आ रहे हो एक तरीके से, वो उसको हम कहेंगे ट्रेडिशनल वे में करते आ रहे हैं। जैसे कोई आप गजल गा रहे हो, जैसे पुराने बेगम अख्तर गाती थी या उसके पहले बरकत अली गाते थे, उसी स्टाइल में अगर आप गाओगे बोलेंगे ये ट्रेडिशनल स्टाइल है। अभी उन्होंने वो जो स्टाइल निकाला है, उस वक्त उनको वही आता था, उनके पास वही इंस्ट्रूमेंट थे, वही हारमोनियम था, वही सरंगी थी, वही तबला था, तो उन्होंने उसके साथ गाया और अपने स्टाइल में गाया, वो उनका स्टाइल था। अभी वक्त जो जैसे जैसे वक्त चेंज होता है, म्यूजिक चेंज होता है, इंस्ट्रूमेंट चेंज होते हैं, रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज चेंज होती है, जैसे जैसे वक्त बदलता है, चेंज होता है, इंस्ट्रूमेंट चेंज होते हैं, नया इक्विपमेंट आता है, रिकॉर्डिंग सेशन आते हैं, नई कंपोजिशन आती है, तो ये ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि जैसे उन्होंने गाया वैसा ही गाइए आप। वक्त के साथ हर चीज बदलती है और बदलनी चाहिए। ट्रेडिशनल कोई ऊपर से तो गिरा नहीं, ये आदमी नहीं, ये एक स्टाइल जो शुरू किया था। अभी जो पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, आजकल पैंट पहनते हैं, सूट पहनते हैं, जी आज कुर्ते का स्टाइल बदल गया है, कॉलर वाला है, हाफ स्लीव वाला है, तो ये तो वक्त के साथ हर चीज बदलती है और बदलना चाहिए। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैं अगली गजल में आपको अभी जो बजाऊंगा उसमें सुनाऊंगा, उसमें मैंने बेस गिटार का इस्तेमाल किया है, गिटार का उसमें यूडलिंग मैंने की है, तो वाई नॉट, वी आर सपोज टू एंटरटेन द ऑडियंस, उनको कुछ अच्छा भी लगना चाहिए ना। मेरी फेवरेट कंपोजिशंस जो है, उनमें सबसे पहले जो मैंने रिकॉर्ड की थी, मेरे सुपर सेवन में थी, वो थी जब भी उसके बाद मैंने जो मेरी फेवरेट है, ऐ खुदा रे तुझे सहरा को समंदर दे, या छलकती आँखों को पत्थर कर दे। फिर मेरी फेवरेट है, किसको कातिल मैं कहूँ, किसको मसीहा, सब यहाँ दोस्त किसे क्या। और भी फेवरेट हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं आपको सुना रहा हूं वो उसी मूड की है जिस मूड की गजल आप सुनने जा रहे हैं, वो भी मेरी फेवरेट है, और वो गजल है कतील शफाई की। ये थी आज की महफिल और मुझे उम्मीद है आपने खूब मजा लिया होगा। मुझे भी आपसे बातें करके बहुत मजा आ रहा था। बस आखिर में जाते जाते मैं यही कहूंगा कि नया साल, नई सदी, नया मिलेनियम आपके लिए अच्छा हो। आप इसमें हंसते खेलते रहें, आपकी सेहत ठीक रहे, आपका परिवार ठीक रहे, आपका धन ठीक रहे, आपका घर सब कुछ ठीक रहे, बस आप खुश रहें इस सदी में, इस सेंचुरी में। मेरी यही इच्छा है, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा और जाते जाते कहूंगा कि हम तो जाते हैं मैं कदे से मीर, हम तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। Yeah.
गीत और संगीत की महफिल के मुअज्जिज़ मेहमानों, खुशामदीद। आज की यह हसीन शाम अपने दामन को गजल के हसीन सितारों से सजाए आप तमाम संगीत प्रेमियों का इस्तकबाल करती है। ये मदहोश और रंगीन शाम तखय्युल और अल्फाज के जीने पर कदम ब कदम लहराती हुई एक गुनगुनाती रात में तब्दील हो जाएगी। एक ऐसी रात जो सदा के लिए एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगी। गजल जिसके माने ही हुस्न इश्क की बातचीत है, जिसका नाम सुनकर सहराओं में चौकड़ियां भरने वाले हसीन गजालों का तसव्वुर उभर आता है। गजल सिर्फ उर्दू ही की आबरू नहीं बल्कि दूसरी जबानों के दिलों में भी अपना घर बना चुकी है। यह और बात है कि उर्दू गजल की जवानी का निखार और शादाबी कुछ और ही है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। ऐसे शेर कहने वाले गालिब ने गजल को एक नया अंदाज दिया, उसमें चार चांद लगाए। मीर की गजलें आज भी महक रही हैं और कल भी महकेंगी जैसे फूल की पंखड़ियां। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। और दाग इसे गजल की जबान में कहते हैं। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। मीर, गालिब और दाग से लेकर अब तक गजल की अमानत महफूज है। गजल को अवाम के दिलों की धड़कन बनाने वाले फनकारों में सबसे पहला नाम कुंदन लाल सहगल का आता है। बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं। हयात और मौत की कश्मकश ने हमें एक और हयात बख्श आवाज से महरूम कर दिया। यह आवाज थी गजल की साहिरा बेगम अख्तर की। फनकारों से किसी कदर मुख्तलिफ एक और आवाज जिसने गजल की मांग में अफशां भर दी, यह है मेहदी हसन की आवाज। कैसे छुपाऊंगा को क्या करूं, तपिश को क्या को क्या करूं, सोजे जिगर को क्या करूं। गजल की यह हसीन रवायत बेशुमार दिलकश आवाजों से पिरोया हुआ एक सिलसिला है जो जिंदगी की तरह रवां दवा है।
वहां से कुछ आवाजें बिछड़ती रहती हैं और कुछ आवाजें शामिल होती रहती हैं। आज की इस हसीन महफिल की शम्मा है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह जिन्होंने कलाम के इंतखाब से लेकर गजल की अदायगी तक गजल को एक नया रंग, एक नया नूर बख्शा। गजल जो सिर्फ उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाती थी, जगजीत सिंह की सहराना आवाज और पेशकश के अंदाज ने इसे अवाम के दिलों तक पहुंचा दिया। आइए आज की महफिल में सुने जगजीत सिंह की पुरासर, पुरसोज, पुरनूर, दिलकश आवाज। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सरों तक, आह कुचा एक असर
दोस्तों, मैं अपने साथियों का तारुफ भी करवा दूं। संतूर पे हैं सुरेंद्र शर्मा जी, वायलिन पे हैं हमारी टीम के सबसे यंगेस्ट और बैचलर दीपक पंडित, गिटार पे साथ देंगे अरशद अहमद, पहले तबले पे पंडित गिरधर प्रसाद जी, ढोलक पे नारायण सोनू और इस तबले पे हैं अभिनव उपाध्याय। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए साल हर साल मेरे
बराबर कभी दिन में तो कभी रात को उठ कर लिखे तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे प्यार में जलाता तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे तेरे खत आज मैं गंगा बहा तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ आग बहते हुए पानी में लगाया हूँ।
जिंदगी को, जिंदगी को करीब से देखो, जिंदगी को करीब से देखो, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। हमसे पूछो दोस्ती का सिला, हमसे पूछो दोस्ती का सिला, हमसे पूछो ना दोस्ती का सिला, हमसे पूछो ना दोस्ती का सिला, दुश्मनों का दिल हिला देगा, दुश्मनों का दिल हिला देगा। आदमी आदमी को क्या देगा, आदमी आदमी को क्या देगा, हम जमाने से
इंतकाम तुरे एक हसीन दरमियान है प्यार, एक हसीन दरमियान है प्यार, एक हसीन दरमियान है प्यार, एक हसीन दरमियान है, कोई दोस्त है न
रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त न रकीब है, कोई दोस्त न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। सबके सर पे सलीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ कौन इतना करीब है, यहाँ कौन
इतने करीब है। तुझे देख कर मैं हूँ सोचता, 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 तू हबीब है ये रफीब है, तू हबीब है ये रफीब है, तू हबीब है ये रफीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, उंगलियां उठेंगे सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखी गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्र कसे जाएंगे, लोग जालिम है हर एक बात का आना देंगे, लोग जालिम है हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले उनकी बातों का जरा सा असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी।
दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो। ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवान, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, झूलों से गिरना वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, जाना जाना।
बनाना बना कर मिटाना वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। हर तरफ हर जगह बेशुमारा आदमी हर तरफ हर जगह बेशुमारा आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ 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 अपनी ही लाश का अपनी ही लाश का खुद मजारा आदमी अपनी लाश का खुद मजारा आदमी अपनी ही लाश का खुद मजारा आदमी हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी जिन
जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर 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 आखिरी सांस तक बेकरारा आदमी आखिरी सांस तक बेकरारा आदमी आखिरी सांस तक बेकरारा आदमी हर तरफ हर जगह बेशुमारा आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी हर तरफ हर जगह बेशुमारा आदमी हर तरफ हर जगह बेशुमारा आदमी।
कहीं से कहीं बढ़ गए झूठ वाले, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया, और मैं था कि सच बोलता रह गया, और मैं था कि सच बोलता रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया। मेरा सागर संभाल लो,
मुझे मेरा सागर संभाल दो, इतना तो मेरे यार करो मैं नशे इतना तो मेरे यार करो मैं नशे में नशे में हूँ मैं नशे में हूँ मैं नशे में हूँ प्यार करो मैं नशे में हूँ
तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। आखरी हिचकी तेरे जानों पे आए, आखरी हिचकी सजा